चिकन की ऐसी रेसिपी जो आप कई बार खाए होंगे, लेकिन आप चिकन कोरमा को भी ट्राई किया है? आपके पुनम आपके लिए फिर से हाजिर है एक नई रेसिपी के साथ। चलिए मिलकर बनाते हैं इस मजेदार रेसिपी को। तो चिकन कोरमा में हमें यहाँ पर चाहिए 6 पीस प्याज। प्याज को मैंने छील लिया, अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब हम प्याज को कटिंग करना शुरू करेंगे। तो प्याज काटने समय फ्रेंड्स, वो प्याज की जो रूट होती है ना, उसको हम चाकू से अलग कर लेंगे, ताकि जब भी हम प्याज काटेंगे तो पतले पतले स्लाइस में कटेगी एक बराबर में। तो देखिए मैं यहाँ पर पतले पतले पीसेस में प्याज को काट रही हूँ। तो मैं यहाँ पर 6 पीस प्याज यूज कर रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर 750 ग्राम चिकन में बनाने वाली हूँ। आप यहाँ पर कम या ज़्यादा प्याज कर सकते हैं। तो फाइनली मैंने यहाँ पर प्याज को अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हाथों से इस तरह से मसल मसल के प्याज का जो पंखुड़ी है उसको हम इस तरह से अलग करेंगे, तभी प्याज अच्छी तरह से ब्राउन कुरकुरी हो पाएगी। तो मैंने यहाँ पर तेल को पहले गर्म करके रखी हुई थी। तेल यहाँ पर अच्छी तरह से गर्म हो चुकी है, मैंने यहाँ पर प्याज डाल दिया है। आप इसे लगातार चलाते हुए प्याज को अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई करेंगे। तो बराबर तरह से इसे हमें स्टर करना है, बिल्कुल अच्छी तरह से। तो एक बराबर में हम चलाएंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, कि प्याज जो है चारों तरफ से अच्छी तरह से ब्राउन हो कुरकुरी होगी। तो हमें धीमी आंच में इसे लगातार भून लेना है। तो देखिए यहाँ पर प्याज को ऐसा ही कलर चाहिए। अब इसे हम छन्नी में निकाल लेंगे। तो चिकन कोरमा जब भी बनाए फ्रेंड्स, प्याज को इस तरह से फ्राई करके जरूर सेट कीजिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी खाने में लगेगी। तो देखिए मैंने प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर ली है, इसे हम रखेंगे साइड में। अब मैं ले रही हूँ एक पैन, उसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच चिरौंजी, साथ में यहाँ पर डालूंगी 7 पीस काजू। दोनों को हम अच्छी तरह से यहाँ पर 1 मिनट के भून लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून सूखा नारियल यानी कि ड्राई कोकोनट। अब हम हल्का सा रोस्ट करेंगे, ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, इसे हम रखेंगे एक बर्तन में। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ कुछ टेस्टी मसाले। धनिया मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच, जीरा आधी छोटी चम्मच, और साथ में यहाँ पर डालूँ कुल्की पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च 1 बड़ी चम्मच, में यहाँ पर डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। अब सभी को हम करेंगे अच्छी तरह से मिक्स, और हम थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छी तरह से घोल बना कर रेडी करेंगे। तो चिकन कोरमा जब भी बनाए फ्रेंड्स, सूखे मसालों को आप इस तरह से पानी में घोल के पहले रख दें। तो देखिए मैंने अच्छी तरह से घोल लिया है, और मैंने 750 ग्राम चिकन को विनेगर पानी में से भिंगो कर रखा हुआ था। अगर विनेगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नींबू रस देके यहाँ पर क्लीन कर सकते हैं चिकन को। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक कढ़ाई में सरसों तेल। तो मैं यहाँ पर आधा कप तेल का यूज कर रही हूँ, और मैं यहाँ पर डाल रही हूँ चिकन पीसेस को। तो यहाँ पर गैस अभी मैंने ऑफ रखा है, ऑन नहीं किया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 4 टेबल स्पून दही। तो दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है, बिल्कुल स्मूथ क्रीम की तरह यहाँ पर हो गया है। आप यहाँ पर आधा कप दही का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दें कि खट्टी नहीं होनी चाहिए। और मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2 पीस तेजपत्ता, 4 पीस लौंग, 2 पीस छोटी इलायची, 2 पीस बड़ी इलायची, 1/2 इंच मैंने यहाँ पर दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया है, और आधी छोटी चम्मच मैंने यहाँ पर साबुत जीरा डाला है। अब मैं डालूंगी मसाला, जो मैंने ड्राई मसाले को पानी में भिगो कर रखी है उसको मैंने डाल दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी लहसुन आदि का पेस्ट 3 बड़े चम्मच। अब हम सभी को करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। तो मैंने यहाँ पर गैस को ऑन कर दिया है, और मैं यहाँ पर 5 मिनट के लिए इसे धीमी आंच में पकाऊंगी पहले। तो देखिए यहाँ पर 5 मिनट हो चुकी है। तो फिर से इसे हम अच्छी तरह से चला लेंगे। देखिए यहाँ पे दही मैंने जो डाला था, देखिए यहाँ पे पानी अच्छी तरह से यहाँ पे छूट चुकी है। अब इसे हम धीमी आंच में पकाएंगे, यहाँ पे फिर से ढक। एक बड़ी मिक्सर जार में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ फ्राइड ऑनियन, जो मैंने फ्राई करके रखी हुई थी प्याज को, और साथ में यहाँ पर डालूंगी काजू और नारियल और चिरौंजी, सभी को मैंने डाल दिया है। थोड़ा सा पानी डाल देंगे, इसे बारीक सा पेस्ट बना कर रेडी करेंगे, और ज़रूरत पड़ेगा तो हम बाद में पानी ऐड करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर पेस्ट बना कर रेडी कर लिया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर लगभग यहाँ पर 10 से 15 मिनट हो चुकी थी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 5 से 6 पीस हरी मिर्च, तो मैं यहाँ पर स्लाइस करके डाल रही हूँ। अब मैं डाल रही हूँ उसमें स्वाद अनुसार नमक। अब इसे हम करेंगे बढ़िया से मिक्स। तो मैंने यहाँ पर पहले नमक नहीं डाला था, क्योंकि पहले डालेंगे तो क्या होगा, चिकन में यानी कि कढ़ाई के अंदर चिपकना शुरू हो जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पर 10 से 15 मिनट के बाद यूज किया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ फ्राइड की हुई ऑनियन, जो मैंने पेस्ट बना कर रखी थी उसे मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो लगभग यहाँ पर चिकन आधी यहाँ पर पक चुकी है। फिर से इसे हम ढक देंगे, और हम फिर से 10 मिनट के लिए पका लेंगे। तो यहाँ पर टोटल 10 मिनट हो चुकी है, बीच में मैंने 2 से 3 बार चलाया हुआ था। तो लगभग यहाँ पर चिकन पूरी अच्छी तरह से पक चुकी है, और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए यानी कि कोरमे की जान मैं इसमें डाल रही हूँ जावित्री, साथ में यहाँ पर डालूंगी जायफल, जो बच्चों को खिलाया जाते हैं ना जायफल, वही मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पर हल्का सा घिस कर डाल देना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चिकन कोरमा की जान यानी कि केवड़ा वाटर, ये नहीं तो कुछ भी नहीं। अब मैं इसमें डालूंगी फ्राइड ऑनियन, जो मैंने थोड़ी सी बचा के रखी हुई थी। आप यहाँ पर चाहे तो अदरक के स्लाइस पतली पतली कट करके डाल सकते हैं। अब मैं डाल रही हूँ चिकन मसाले, अब करेंगे बढ़िया से मिक्स। तो मैं यहाँ पर मसाले वाला पानी थोड़ा सा यूज़ किया था, आप चाहे तो और पानी यहाँ पर डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं डालूंगी।
अब इसे हम ढक के रख देंगे 5 मिनट के लिए, तब तक हम गैस को ऑफ करेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, गर्मा गर्म चिकन कौरमा बनकर रेडी हो चुकी है। आप इसे चावल के साथ में या रोटी के साथ में किसी साथ में इंजॉय कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ रेसिपी आप लोग को जरूर पसंद आई होगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।